नमस्कार, कैपिटल न्यूज़ इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपको गांव जसोर खेड़ी तहसील बहादुरगढ़ जिला झज्जर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट चल रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी विभाग होता है उसके अंदर एक GCNP ग्लोबल सेंटर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप का जो प्रोग्राम चल रहा है जिसे लोग परमाणु के नाम से जानते हैं, जिसने गांव जसोर खेड़ी की काफ़ी ज़मीन एक्वायर की थी और आजकल पूरे गांव के पीछे की साइड में इसकी काफ़ी ज़मीन है। वह तो यहां पर नए नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और नई नई इमारतें खड़ी हो रही हैं। तो आप लोगों को बताएंगे कि आने वाले समय में ये इमारतें क्या विकास लेकर आएंगी, क्या ये इमारतें गाँव जसोर खेड़ी के आसपास तक मेट्रो ले कर आएंगी या फिर जो मांडोठीवाड़ा रोड है उसके साथ में एक नया रोड NH10 तक लेके आएंगी। तो इन सभी बातों को इस वीडियो में आप जानने का काम करेंगे। वह आप जानेंगे कि जिसे आप लोग परमाणु के नाम से जानते हैं असल में वो है क्या और यहाँ पर क्या होने वाला है और इन फ्यूचर यहाँ पर क्या बनने वाला है। तो मार्केट को देखते हुए, आसपास में मार्केट की वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हमने काफ़ी पॉइंट्स तैयार किए हैं और उन पॉइंट्स पर अब चर्चा करने का समय है। अब बात करते हैं सबसे पहले GCNEP, जिसे आप परमाणु के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले समझने का काम कीजिए, यह भारत सरकार की एक इकाई है जो यह DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन एक विभाग आता है उसकी एक इकाई है जो 3 अगस्त 1954 को DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का बनी थी। इसके बाद मुद्दों की बात करते हैं। मुद्दों की बात करें तो जो जसोर खेड़ी में आप देख रहे हैं वह रिसर्च व डेवलपमेंट सेक्टर है जिसे हम GCNEP या परमाणु कहते हैं। वह रिसर्च व डेवलपमेंट सेंटर है, असल में वह रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर है और भारत के अंदर कुल 6 रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर हैं जो DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर काम करते हैं। इनमें से 5 सेंटर पहले बन चुके हैं और छठे वाला जो सेंटर अभी निर्माणाधीन है, जिसका फेज 1 कंप्लीट हो चुका है, फेज 2 का काम चला हुआ है, वो गांव जसोर खेड़ी के अंदर है। इसके अंदर क्या क्या आएगा और ये आसपास के क्षेत्र के लिए क्या लेके आएगा, तो उन पॉइंट्स को सुनने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। अब आपको बताते हैं, पहले आप उन 5 सेंटर जो इससे पहले टोटल ये 6 सेंटर जो पूरे देश में हैं, ये मात्र 6 ही हैं इतने करोड़ की आबादी के अंदर। कई लोगों को भ्रम था कि 17 सेंटर है, 51 सेंटर, तो आप लोगों को बारीकी से बता दूं, जो रिसर्च और डेवलपमेंट सेक्टर के सेंटर हैं ये मात्र 6 सेंटर हैं। अगर पहले सेंटर की बात की जाए तो बार्क BARC, जिसको बार्क के नाम से जाना जाता है, यह बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क जिसको जाना जाता है, यह पहला सेंटर है। इसके बाद दूसरे सेंटर की बात की जाए तो AMD एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन हैदराबाद के अंदर है। इसके बाद तीसरे सेंटर की बात की जाए IGCAR, तीसरा जो सेंटर है IGCAR इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ये तमिलनाडु के अंदर है। और चौथा सेंटर जिसकी बात की जाए RRCAT राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ये इंदौर के अंदर है। इसके बाद अगर पाँचवें सेंटर की बात की जाए तो पाँचवा सेंटर VECC है, जिसको शॉर्ट VECC बोला जाता है, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, जो कि कोलकाता के अंदर स्थित है। अगर छठे सेंटर की बात की जाए जिसके बारे में हमने स्पेशली ये वीडियो बनाया है, तो वो है GCNEP ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप, जो गांव जसोर खेड़ी खेड़ी जसोर तहसील बहादुरगढ़ जिला झज्जर के अधीन पड़ता है। अब बात करते हैं, ये सेंटर काफ़ी अहम है, इस सेंटर के अंदर काफ़ी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं और इन फ्यूचर ये जो सेंटर की डिमांड इतनी होती है कि ये आसपास के क्षेत्रों की इन फ्यूचर, अभी तो कोई प्लान है नहीं, इन फ्यूचर ये और भी ज़मीन ले सकता है और रहती है बात इन्होंने इन फ्यूचर ये मेट्रो की भी डिमांड कर सकते हैं और इस क्षेत्र में शायद मेट्रो भी आ सकती है क्योंकि ये काफ़ी डेवलपमेंट एरिया होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने GCNEP को गांव जसोर खेड़ी हुए खेड़ी जसोर में बढ़ाने की योजना काफ़ी पहले बना दी थी और सितंबर 2010 में यह RND जिसको मैंने बताया रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर की टोटल 6 यूनिट देश में हैं, जिनमें से DAE के अधीन यह आता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अधीन। यह दिल्ली से 55 किलोमीटर दूर पड़ता है, दिल्ली मुख्यालय बोल रहा हूँ मैं, वैसे तो दिल्ली की सीमा पास में ही लगती है, मात्र 10-12 किलोमीटर। वह इसका फेज 1 का काम कंप्लीट हो चुका है। इसे आगे बात करें तो यहाँ पर क्या क्या होगा,
तो आप लोग सुनने का काम कीजिए। नंबर वन, खोजबीन व न्यूक्लियर सिस्टम को विपरीत करना, जैसे यहाँ पर खोजबीन के काम होंगे, खोजबीन और न्यूक्लियर सेंटर को विकसित करना, जो न्यूक्लियर सेंटर होगा उसको और भी विकसित किया जाएगा और सिक्योरिटी के मामले में या जैसे न्यूक्लियर जो सिस्टम होता है उसमें और भी तकनीकी सुधार यहाँ पर करने के लिए काम किए जाएंगे। इसके बाद नंबर दो, सेमिनार, यहाँ पर सेमिनार ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, विदेशों से बच्चे तक पढ़ने यहाँ पर आ सकते हैं और बात की जाए विदेशों से प्रोग्राम जो कार्यक्रम होते हैं उनमें कई लोगों के विदेश में भी से भी यहाँ पर आते रहते हैं और यहाँ पर बार बार प्रोग्राम चलते रहते हैं, तो मेरे साइड में चल रही स्क्रीन पर भी आप वो प्रोग्राम देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लेक्चर चलेंगे, लेक्चर बच्चों को समझाने के और विदेशों से जो लोग आएंगे या इंजीनियर जो साइंटिस्ट यहाँ पर आएंगे वे समझाने का काम करेंगे। इसके बाद यहाँ पर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई जाएगी, वहाँ पर वर्कशॉप के माध्यम से आप लोग काम भी करके देख सकते हैं और जो विदेशों से या सीखने के लिए यहाँ पर जो बच्चे आएंगे वे वर्कशॉप के माध्यम से काम को सीखने का भी काम करेंगे। इससे आगे बात करते हैं नंबर तीन पॉइंट की, ट्रेनिंग एंड रिसर्च, यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी और नई नई खोज यहाँ पर होने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ पर नंबर चार पॉइंट जो हमने बनाया उस पर पांच स्कूल यहाँ पर बनने हैं। स्कूल का मतलब वो नहीं कि बारहवीं कक्षा तक के स्कूल, ये एडवांस स्कूल होते हैं जो कहीं ग्रेजुएशन या यूनिवर्सिटी लेवल से भी कहीं ऊपर होते हैं। तो इन स्कूल्स की बात की जाए तो आप सुनने का काम कीजिए कौन कौन से स्कूल्स यहाँ पर बनने वाले हैं। तो नंबर वन, एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी सिस्टम स्टडीज़, जो कि पहला स्कूल होगा। इसके बाद न्यूक्लियर सिक्योरिटी स्टडीज़ दूसरा स्कूल होगा। ये प्रकार की यहाँ पर एजुकेशन भी दी जाएगी। इसी प्रकार नंबर तीन, जैसे बात की जाए न्यूक्लियर मटीरियल करेक्टरिस्टिक जैसन स्टडीज़, इससे अलावा रेडिएशन सेफ्टी स्टडीज़, और पांचवें पॉइंट की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ रेडियोट्रॉप्स रेडिएशन टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर एंड फूड के लिए, ये पांच प्रकार के स्कूल यहाँ पर बनने वाले हैं। तो बात करते हैं इन फ्यूचर ये क्या लेके आ सकता है। इन फ्यूचर ये इस क्षेत्र के साथ साथ लगातार 10-15 किलोमीटर क्षेत्र के लिए काफ़ी बेहतरीन तरक्की लेकर आ सकता है। जिस प्रकार मेट्रो की डिमांड यहाँ पर इस परमाणु सेंटर तक आने के लिए कोई खास रोड नहीं बना, तो परमाणु सेंटर का जो दबाव होता है उसके कारण इस एरिया में एक नया रोड मिल सकता है, जिसकी इन्होंने बार एप्लीकेशन भी लगाई हुई है और जो रोड शायद NH-10 जो मांडोठी वाला रोड गांव जसोर खेड़ी की तरफ आता है, या तो उस रोड को डेवलप करके सेंटर में जोड़ने का काम किया जा सकता है, नहीं तो इससे अलावा एक सेपरेट रोड भी आ सकता है। अगर इस सेंटर की बात की जाए तो इस सेंटर जहाँ पर फैला हुआ है, गाँव के पिछले पाले हिस्से में फैला है, ये केएमपी के नज़दीक से स्टार्ट होकर वहाँ पर इनके रहने के लिए होटल जैसी बेहतरीन सुविधाएं भी वहाँ पर दी गई हैं। एक 5-स्टार जो होटल होता है उस जैसी सुविधाएं वहाँ पर हैं, जैसे जो साइंटिस्ट आएंगे उनके लिए फ्लैट्स जैसी बिल्डिंग भी तैयार कर दी गई हैं। अगर मार्केट की बात की जाए तो इस प्रकार ऐसी ऐसी चीज़ें आने से गाँव जसोर खेड़ी व आसपास का मार्केट काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो सकता है, जिससे यहाँ पर गांव में भीड़ बढ़ेगी, जिससे लोगों को किराए के अवसर मिलेंगे और साथ साथ जिन लोगों के परमाणु में जैसे क्रेनें चलते हैं, ट्रैक्टर चलते हैं, जहाँ भी निर्माण कार्य चला हुआ है, तो उन लोगों को भी यहाँ पर सुनहरा अवसर मिल सकता है। अगर यहाँ की परमाणु की सिक्योरिटी की, जिसको हम GCNEP बोलते हैं, इसकी सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पर अभी तो होमगार्ड लगे हुए हैं, इन फ्यूचर यहाँ पर सेंटर फोर्सेज भी आ सकती हैं और ये अक्षेत्र में एक बेहतरीन रोजगार के साथ साथ अक्षेत्र को तरक्की देने का भी काम करेगा। आपके अक्षेत्र में यहाँ पर विदेशों से कई देशों से लोग भी आए हैं, साइंटिस्ट भी यहाँ पर परमाणु के अंदर आए हैं जिन्होंने सेमिनार तक अटेंड की है, तो इन फ्यूचर यहाँ पर और भी ज़्यादा तरक्की आने वाली है। अगर इस सेंटर की बात की जाए तो देश का 6ठा सेंटर है, तो ऑटोमेटिकली ही तरक्की लेकर आएगा। और बात की जाए जगह जगह पर बादरूड से लेकर दिल्ली तक इसके बोर्ड लगे हुए हैं कि GCNEP ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप यहाँ से इतनी दूरी पर है, तो आप समझ सकते हैं यह आसपास में क्या लेकर आना है। जो मेट्रो की कनेक्टिविटी की बात है वो इन फ्यूचर एयरपोर्ट से डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए रोड मार्ग और मेट्रो मार्ग यहाँ पर आ सकता है, लेकिन इसकी संभावना जताई जा रही है, फाइनल प्लान इसको नहीं बोला जा सकता। तो इस पूरी वीडियो को आपने समझने का काम किया, इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।